हेलो जी की फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और भाई अभी जो है ना, हम ड्राइव कर रहे हैं और कल रात को क्या हुआ ना, मैं एक पार्टी में गया हुआ था। वहाँ से आते वक्त ना मेरी गाड़ी थोड़ी सी लग गई पीछे से, स्क्रैच बहुत हल्का सा था जो कि हट भी गया रब करने से, बहुत माइनर सा वाइट वाइट सा रह गया, बट ठीक है। अब वो ना, मैं बहुत टाइम सोच रहा था कि पीछे मेरे को बुलगार्ड लगवाना है, लेकिन जो मेरे को चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो ये मेरी बात हुई है, वो वाला बुलगार्ड जो मेरे को डिजाइन चाहिए था स्कॉर्पियो का पर्टिकुलर आ गया है, पहले वो डिजाइन नहीं आ रहा था। तो भाई से बात हुई है, मैंने फोटो मंगवाई है और जो मुझे डिजाइन पर्टिकुलर चाहिए था वो लगवाने जा रहे हैं। वहां पहुंच के देखते हैं कैसे रहता है। एंड बुलगार्ड यार अगर नहीं लगवा रखा है लगवा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे साथ जो हुआ ना ये, वैसे तो मैं वहाँ पहुँच के बताता हूँ, मैं दिखाता भी हूँ कि कहाँ पे कितना क्या लगा था। काफी रबिंग के बाद वो चीज़ हट गई है, रबिंग की वजह से मैंने घर पे ही उसको रब करके थोड़ा सा हटाया। एक स्कूटी वाला महान, इतना ट्रैफिक है ना भाई रोड पे, आज छोटी दिवाली का दिन, मतलब बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही हैं। कल दोपहर को 3 बजे मैं गया नोएडा भाई, इतना भयंकर ट्रैफिक था, इतना भयंकर ट्रैफिक। अब ये सारा ट्रैफिक तोड़ के ना भाई, हम सीधा आपसे वहीं मिलते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि मैं जाऊँगा सीधा बाईपास, जिसको पता है फरीदाबाद का बाईपास कैसा है, पतला सा वन रोड वाला। ये देखो स्कूटी वाले भैया, आओ भैया, अरे भैया बोनट पे बैठो, रुक गए आप तो। भाई जिसको नहीं पता ना बाईपास भाई, ये हाल है, ये वन लेन रोड है आने जाने का, इसलिए यहाँ पे ओवरटेक और ट्रैफिक इतना हो जाता है ना, और वैसे अभी दिवाली वाले डेज चल रहे हैं तो इसलिए बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पे ओवरटेक अब स्पीड से निकालने में ना भाई बड़ी मेहनत से मशक्कत सी लग जाती है, रोड से आप नज़र तो हटा ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ज़िगज़ैग लेके काटनी पड़ती है गाड़ियाँ बहुत। और इसमें भी कई कलाकार मिलते हैं, पीछे एक बंदा था रोड पे गाड़ी पार करके खड़ा था, इतनी सी रोड पे भी गाड़ी पार करके, डिजायर का बंदा था वो, मूर्ख आदमी भाई, मूर्ख आदमी भाई। हमारी गाड़ी तो उधर खड़ी है, उसका सामान तो आ रहा है, वो खड़ी हमारी गाड़ी यहाँ पे भाई। हमें मिला एक ब्लैक कलर का चीता, विच इज नई वाली सफारी भाई, कितनी सही लग रही है ये गाड़ी। इसके अंदर ये टॉप से एक नीचे मॉडल है, और यहाँ पे तो गाड़ी फरीदाबाद में मिल नहीं रही है, उन भैया की गाड़ी है जो द्वारका से लाए हैं, ब्लैक कलर टॉप से एक नीचे वाला एडिशन। यहाँ पे सफारी की स्टिकरिंग भी दिख रही है, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स, अलॉय व्हील भी इसमें 18 इंच है, 19 है, 19 है ना, हाँ काफ़ी अच्छे अलॉय व्हील लग रहे हैं ब्लैक एडिशन में। और भाई अंदर भी काफ़ी प्यारी गाड़ी निकाली है भैया, ये नीचे ये लगवाए हैं फुट मैट, एंड सी द टोटल ब्लैक इंटीरियर, ये भी सफारी जैसा ही है, वो हैरियर जैसा इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम है। दिस इज द न्यू स्टीयरिंग, पीछे की बात करी जाए बॉस तो दिस इज द इंटीरियर। बाकी फ्रंट लुक जो है ना सफारी का, वो काफ़ी अच्छा बोल्ड लग रहा है पहले कंपैरिजन में, जो यहाँ से बोल्ड लुक आ रहा है, प्लस दिस इज कंबाइनिंग लाइट, अभी बैटरी, ये लाइट एक बार ऑन करोगे आप? ये देखो भाई कितनी प्यारी लाइट लग रही है, ये तो है लाइट काफ़ी सही लग रही है, जिसको लॉन्ग लाइट्स पसंद नहीं है मे बी उसको बुरी लगे, बट हाँ ऑल तो पूरा प्लास्टिक है, बट हाँ अच्छा है, टाटा ही गाड़ी है, सेम सब का ही सेम है। हाँ क्या बात है बस, ये लोग घुमा दिए, हाँ 19 इंच है ना भाई, साइड से बहुत बड़ा टायर लग रहा है, काफी बड़ा टायर लग रहा है ये, आफ्टर मार्केट की जरूरत नहीं है, नहीं भाई बहुत अलॉय काफी प्यारा लग रहा है, ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई हमने ये जो सामान मंगाया अपनी गाड़ी के लिए बस, वो ये है, अब ये लगेगा तो वैसे दिखाते हैं, फिटमेंट वगैरह पूरी आ गई है, ये लगे पीछे तो फिर आए काम करते हैं। उधर भाई फॉग लैंप लग रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा भाई की गाड़ी में स्कॉर्पियन, वो भी Z4 है, उसमें फॉग लैंप का काम हो रहा है। इस तरफ भाई सफारी है, प्लस साथ में फॉर्च्यूनर में स्पीकर का काम हो रहा है, कब आएगी फिटमेंट? ये लोग फिटिंग करना, उधर से ना गाड़ी हम इधर ले आए, पहले उधर खड़ी थी मिट्टी ज़्यादा थी तो इधर ले आए, इधर फर्श प्लेन है, और अभी भैया नीचे घुस गए फिटमेंट के लिए। ये करना है ऐसी कि साला खुले ना ये किसी भी कीमत पे, आप ही खोल पाओ, हम ना खोल पाए ना कोई और खोल पाए, टिक जाए तो वो ना खोल, हाँ कोई लग जाए तो उसकी खुल जाए, पर ये नहीं खुलना चाहिए। उसमें तीनों क्रोम पार्ट लगा था, हाँ तो मेरे को वो लग तो नहीं रहा कि वो पेस्टिंग है, क्योंकि बीच वाला पेस्टिंग का दिख जाता है, पता नहीं भाई वाले कंपनी से, इधर तो पेस्टिंग हो रही है भाई, ये तो थर्ड वाला तो पेस्टिंग से ही लगता है। यहाँ पे ना इन लोगों ने भी Z4 डीजल है भैया के पास, इनकी गाड़ी है ये, और इन्होंने इसमें क्रोम पार्ट लगवाया है जो कि पेस्टिंग के साथ है, तो अभी एक ये लग गया, इधर साइड का पूरा हो गया है, एंड अपोजिट साइड का ना भैया लगा रहे हैं, अभी बैक वाल लग गया है, अगला वाल लगेगा, अभी पेस्टिंग छूटती नहीं इसकी, इसको लगने के बाद गाड़ी बहुत प्यारी लगती है साइड से ना, 2500 का पड़ रहा है सेट पेस्टिंग वाला पूरा। और इसमें है, इसमें तो लाइन है वो, लेकिन वो असिस्ट नहीं है ना, वो तो असिस्ट करने के लिए तो सब कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसा है सेटअप, भाई भाई ने भी इन्होंने कैमरा लगवाया है 4000 में, और ये कह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी उससे बेटर है, अभी हम देखेंगे, ऑन करके दिखाओगे एक बार कैमरा? आओ भैया कैमरा देखें इनका, लेन असिस्ट नहीं है ये,
क्योंकि उसके लिए कह रहे हैं कुछ फिटिंग्स वगैरह होती हैं। ओ भाई मैट इन्होंने ये वाला डलवा रखे जीएफएक्स, तो सही है, साफ सफाई का झमेला खत्म है। अरे इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक सेकंड। हाँ अब दिख रहा होगा, इसमें काफी दूर का दिखा रहा है, तो वो यहीं तक दिखाता है दूसरे वाला कैमरा, ये पूरा बैक व्यू दिखा रहा है। वो तो कैमरा पोजीशन है, बड़ा क्वालिटी सही है, जैसे बाहर काफी अंधेरा हो रहा है उसके हिसाब से भी ना इसमें क्वालिटी काफी सही आ रही है। तो अब ये स्टीयरिंग के हिसाब से मुड़ती नहीं है, लेकिन असिस्ट तो उसमें भी नहीं होता, जो कंपनी फिटेड आता है वो कंफर्टेबल होता है उसके। अच्छा ये 4000 में है और आपके पास डीजल है, तो कैसी लग रही है आपकी गाड़ी? अपनी फिटमेंट भी चल रही है भैया। हाँ भैया कहाँ पहुँची गाड़ी? हाँ भैया वाशल ढंग से लगा देना, देखो बिना कंजूसी के। ये लो जी अब इसकी फिटमेंट खुलनी शुरू हो गई। इसमें एक भैया एक तो ऊपर है एक नीचे है ये। उसके लिए बोल्ट लेने गया। अच्छा वॉशल बोल्ट रहने वो इसी के लगे हैं। वो वहाँ पे निकाला ना, वहाँ पे शायद गिर गया, तो गया था ना वहाँ से गाड़ी अगला एल ली मिल गया भाई। मैंने तो मैंने इसमें से ले लिया ना, फिर कोई बात नहीं लगा दी ना भाई। पक्का काम करियो सही होगा भैया जी। हाँ लगाए तो फिर आगे प्रोसीजर हो भाई की। इधर एक वॉशल खो गई या कम भी आ गई, ये हो जाता है ये सब चीज़ों में काम, इतनी सारी है। लेकिन अब एग्जैक्ट फिट वॉशल नहीं बैठ रही होगी, तो एग्जैक्ट चाहिए 0-0 वाली। लगने पर ऐसे भी लग जाएगा, पर जुगाड़ नहीं करना ना बगैर वॉशल के भी लग जाएगा भैया। पर वो दिक्कत देता है ना फिर भैया, बगैर वॉशल के तो दिक्कत देगा ही देगा। देखो वो भाई का डेंट लग रहा था ना, वो सारे लोग आ गए, लेकिन वो डेंट मुझे नहीं लगता ठीक होगा, वो शीट में आ गया, वो आसानी से वैसे ठीक होगा नहीं इसकी। भैया उल्टा लगा रहे हो उल्टा, तभी मेरा ऐसा लगेगा ये। एक बार लग जाए तो फिर पूरा दिखाते हैं, इसको पूरा फिट कर लेंगे एक बार में दिखाएंगे। देखो भाई सफारी रात में पीछे से ना नई वाली कुछ इस तरीके से दिखती है, काफ़ी अलग सी दिख रही है वैसे तो। एज लाइट इन्होंने अलग से बाहर निकाल दी है, लाइट अलग से बाहर निकाल दी है, क्योंकि अगर आप देखो ना पास से तो ये लाइट थोड़ा बाहर है। ये देखो आप दिख रहा होगा बॉडी से, बॉडी लाइनिंग से थोड़ा बाहर है, एंड ये कट जो है ना ये देखो ये डीप है, यहाँ से ये अंदर की तरफ लाइट है फिर बाहर है, तो नाइट में काफ़ी प्यारा सा लुक आ रहा है गाड़ी का। अब तू इसका देख, इसका कनेक्टिंग वो लाइट अच्छा लग रहा है। हाँ वरना का अच्छा नहीं लगता, वरना में वो ट्यूबलाइट, वरना की वो ट्यूबलाइट लगती है। भाई बताना कमेंट सेक्शन में सफारी की बैक लाइट कैसी लग रही है। मुझे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा कि इस गाड़ी में पीछे देखो सबसे बाहर वाला जो पॉइंट है ना वो टेल लाइट ही है, तो अगर हल्का सा कुछ भी बैक करते लगेगा ना तो गई भाई, कैमरा भी जस्टिफाई नहीं करता है। हाँ तो भाई अगर हल्का सा बैक करते हुए कुछ भी लगेगा ना तो सीधा टेल लाइट ही जाएगी। ये थोड़ा सा मुझे लगा ड्रॉबैक कि भाई ये थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि इससे बाहर ना तो स्पॉइलर बाहर है, ना डिक्की बाहर है, ना नीचे का फुट वो बम्पर बाहर है, सिर्फ लाइट बाहर है, तो सबसे पहले लाइट जाएगी, कहीं कोने से लगे कुछ भी लगे, तो ये एक छोटा सा मुझे ड्रॉबैक लगा सफारी का नई वाली का। उधर भाई फॉग लैंप का काम अभी चल रहा है, मेरे को भी फॉग लैंप लगवाने हैं, लेकिन भाई ये लोग कह रहे हैं कि अपना पार्किंग से कनेक्ट करेंगे, अलग वाले स्विच जो दे रखा है तो उससे कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे, डेकोरा वाले नहीं है ये, कोई और है साजन या आई डोंट नो कोई और है, तो मैं यहाँ से तो नहीं कराऊंगा। प्लस इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो पता नहीं कब तक करेंगे, यहाँ पर दोपहर को आओ या सुबह आओ, पूरा दिन फिटिंग में जाएगा और शाम को टेस्टिंग, तब सही लगेगा। ऐसे तो डायरेक्ट पार्किंग से मुझे करानी भी नहीं है यार, मज़ा नहीं आएगा। तो इसका आगे वाली विंडो खुली है ना, इसका मस्त कहानी है, गाड़ी में बैठेंगे ना तो सुनाऊंगा, अभी यहाँ नहीं सुनाऊंगा, पजीते हो जाएंगे फालतू के यहाँ पजीते हो जाएंगे, बस इस गाड़ी को ध्यान रखना, इसकी कहानी सुनाऊंगा मैं। लो भैया ये लग गया, तो काफ़ी सही लग रहा है ना, गाड़ी के साथ मैच हो रहा है और सिल्वर लुक काफ़ी अच्छी दे रहा है। टॉप मॉडल में नीचे का स्कफ सिल्वर आता है ना, तो इसलिए इसमें इन्होंने सिल्वर दिया है, एंड बाई क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कर दिया ना ये, हाथ से देख ले नहीं काफी सही है। अब कुछ आएगा तो इसी में अटक जाएगा ना, आगे तो नहीं जाएगा, गारंटी की बात है। ये टूट जाएगा गार्ड, लेकिन आपका भैया मोटरसाइकिल अगर कोई ज्यादा ताकत से मारेगा तो, अगर कोई हैवी चीज टकराती है तो देखो भैया कुछ नहीं, फिर तो ये टूटे, तो ये टूटेगा तभी तो गाड़ी बचेगी ना मोटरसाइकिल ही। हाँ अरे भी कल रात को ही हुआ है भैया मेरे साथ, मैं बताऊँ, देखो कल रात को मैंने ब्रेक मारी, इधर स्कूटी वाले थे तीन लोग, उनसे लगी नहीं, उन्होंने हैंडल यहाँ दे मारा, ज्यादा तो नहीं आया, एक ये हल्का सा देखो मेरा ये पेंट चला गया यहाँ से, चला गया। कोई वैसा निशान तो नहीं है, आया था ये काला था पर मैंने घिसा ना तो हट गया, हाँ रबिंग से हट गया, हाँ पर वो रबिंग से हट गया, हाँ इससे बच जाएगा। अब ऐसे भैया कोई ला के बिल्कुल ही दे के मारे तो देखो वो तो, पर ये है मेरा इससे थोड़ा बहुत लगेगा तो बम्पर और डिक्की तो सेफ है, वो इसी में ही रह अटक के रह जाएगा, ऐसे ट्रैफिक में कभी कभी कोई पीछे गाड़ी वाला बम्पर लगा देता है तो वो इसी में रह जाएगा। कौन सी गाड़ी थी महिंद्रा की थी लोडिंग वाली, बाइक वाला है सीधा उसके पहिए के बीच में घुस गया,
तो बच गया नहीं, हेलमेट भी लगा रखा था, यूं चल के होगा था क्या। भैया पहिया तो ठीक कर देंगे, आपकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, रात में लगा हुआ, पेमेंट वगैरह हो गई और हम भी निकले और बताते हैं पूरी स्टोरी। यहाँ पे जो लाइटें लगा रहे थे देखो, अभी चालू तो करी है इन्होंने, पर ये ना कुछ अलग सा ही कर दिया है इन्होंने। DRL तो चल नहीं रहे, वो चली भाई, तार हिला के चल रही है ये क्या कर दिया, तार हिलाने पे चल रही है, तार छोड़ो तो नहीं चल रही भाई, ने चालू करी तारो कनेक्शन 3 घंटे के बाद ये पजीते होते हैं। एक बंदा बिठा दो बम्पर के नीचे। 3 घंटे में भी सभी सही से वायरिंग नहीं हुई, करता 1 घंटे में हो जाता है, 1.5 घंटे से तो मैं देख रहा हूँ, 1 घंटे में पूरी गाड़ी दे देंगे, 1.5-2 घंटे से तो मैं देख रहा हूँ। अरे पीछे वाले भैया लाइट मार रहे हैं, अब सही है। हाँ जी, तो भाई अब सबने रेयर बुलगार्ड तो देख लिया, मुझे उसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी, ऑल्दो 3500 में भी आते हैं, लेकिन ये मेरे को पड़ा है भाई 4800-5000 के आसपास, ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी है और जो ये डिज़ाइन है एमटेक कंपनी का है, ओरिजिनल मिलता, लोग एमट्रेक्स दे देते हैं, डुप्लीकेट देते हैं, तो उस चक्कर में मुझे सही लगा, वर्थ इट लगा। और एक कहानी और सुनानी थी जो अगले शीशे की कहानी थी भाई। वो क्या था ना, वो भैया आए और उन्होंने बोला कि भैया मैं कौन किसके पास आए थे, वो साथ कोई और शॉप थी पता नहीं, जो भी था राज थे साथ में, जो भी था वो आए, उन्होंने उनके भैया बुलाया, भैया क्या हुआ आप कल ही तो आए थे, कह रहा कल तो आया था, करा क्या तुमने, तो क्या हो गया, तो कहते मैं कल आया था, मेरी कंप्लेंट थी कि ड्राइवर साइड वाला जो शीशा है ये पावर विंडो से पूरा नीचे नहीं जा रहा है, आधा जा रहा है। कहते हाँ जी ठीक है, अब देखो वो शीशा ना पूरा खुला हुआ था, आपने वीडियो में भी देखा, कहता देखो सर जा तो रहा है पूरा, कह रहा जा तो रहा है लेकिन अब ये ऊपर नहीं आ रहा है, कह रहा आधा भी ऊपर नहीं आ रहा, अब ये ऊपर ही नहीं आ रहा, ये अंदर ही है। तो यार ये तो बड़ी सही चीज हुई भाई, वो इंसिडेंट देख के ना जो लाइफ था इतना मजा आया, कहता मेरी कंप्लेंट थी कि ये शीशा नीचे नहीं जा रहा है, कह रहा हाँ देखो भी ये चला तो गया नीचे पूरा जा रहा है, कह रहा वो तो ठीक है लेकिन अब ये सुबह से ऊपर नहीं आ रहा है, मुझे ऊपर भी लाना है, तो कह रहा ये तो नहीं खाता आपने, ये तो चीटिंग कर रहे हैं भाई साहब। तो भाई बड़ा सही लगा वो, तो वहाँ पे तो उनकी भाई लड़ाई भड़ाई भी हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए हमने वीडियो बनाना सही नहीं समझा, फालतू में ऐसी जगह उंगलबाजी नहीं लेनी चाहिए भैया। पर हाँ कल मेरी गाड़ी लगी, मैं बच गया, बहुत माइनर सी चीज़ है, दुख होता है, वो हल्का सा पॉइंट भी ना मुझे दुख दे रहा है, लेकिन ठीक है इसी की सेफ्टी के लिए मैंने बुलगार्ड लगा लिया। काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं कि मैं ये चीज़ कराऊंगा, लेकिन मेरे को ये डिज़ाइन नहीं मिल रहा था, XUV 700 का मिल रहा था जिसकी फिटमेंट में बहुत फ़र्क आता है, और प्लस XUV 700 स्कॉर्पियन का जो आर्क है ना बॉडी कर्व का, वो काफ़ी डिफरेंस है, तो वो काफ़ी गोलाई में फ़र्क आ रहा था। ये अब डेडिकेटेड स्कॉर्पियो N का है, दैट्स वाई इसका लुक एंड फील और फिटिंग परफेक्ट आ रही है गाड़ी के साथ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जैसे दूसरे वालों में कहते हैं हमें ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, इसमें भाई कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो काफ़ी सही लगा। बाकी भाई हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और अभी कुछ टाइम में ना मैं लाइट्स वगैरह का इससे पता कराया, लाइट्स वगैरह का देखता हूँ, और आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि लाइट्स का काम कौन सा कराना चाहिए, कौन से बल्ब लगाने चाहिए, कहाँ से लगवाने चाहिए। और अभी कुछ टाइम में ना एक वीडियो भी आने वाली है स्कॉर्पियन स्पेयर पार्ट, जिसमें कुछ स्पेशल स्पेयर पार्ट्स हैं तो वो देखने को मिलेंगे, लाइक फॉग लैम्प्स और हेडलाइट स्पेशली एजूम की, और क्या कहते हैं 2-3 चीज़ें और हैं प्यारी प्यारी सी, उसका रेट और क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं ना मार्केट में वो सब बताऊंगा। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप यू लाइक द व्लॉग, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली, एंड आफ्टर दैट स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।